टाइप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको पास कुछ साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। बेशक आपके पास इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो अगर आप ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं, इससे क्या है कि ब्रेन में इंफॉर्मेशन प्रोसेस होने में, एक्यूरेट प्रोसेस होने में हेल्प मिलती है, जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट रिस्पांस बढ़ जाती है। तो वो क्या स्ट्रेटजीज हैं, बड़ी ब्रीफ में डिस्कस करूंगा। फर्स्ट रूल है, रीड और अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। आपको एडमिट कार्ड मिल चुका है, उस पर जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं वो आपको समझ आ जानी चाहिए। और दूसरा, जब आप एग्जामिनेशन रूम में हो तब भी अगर इनविजिलेटर कोई इंस्ट्रक्शन देता है तो वो उसको समझ लेना जरूरी है। मान लीजिए आपको वो समझ नहीं आई तो आप खड़े होके उनसे पूछ सकते हैं कि सर ये मेरी कंफ्यूजन है, दूर कर दीजिए। हर हालत में ये आपका राइट है, इंफॉर्मेशन लेने का राइट है। और जो शीट होती है, शीट पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको पढ़ने के लिए आपको टाइम मिलेगा, उनको भी समझ लेना चाहिए। अगर कोई इंस्ट्रक्शन समझ नहीं आती तो इनविजिलेटर से दोबारा पूछ लेना चाहिए। अदरवाइज जो वीडियो इससे पहले दी गई हैं एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग, वो आप देख के ये क्लियर कर सकते हो। इससे क्या है कि आपको क्लियर होगा कि आप एग्जामिनेशन रूम में होना क्या है, जिससे क्या है कि स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। दूसरा रूल है, अब आप क्या है कि आप एग्जाम आपका शुरू हो चुका है, आप ने पहला एमसीक्यू क्वेश्चन फेस कर लिया है, देखा है, तो सबसे पहले किसी भी एमसीक्यू को समझना है, सॉरी अटेम्प्ट करना है, तो श्योरली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और स्टेम। क्वेश्चन और स्टेम क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल, ये जो ए गुड टीचर इज वेरी हेल्पफुल टू, ये जो पहले स्टेटमेंट या क्वेश्चन या जिसमें मेन क्वेश्चन पूछा गया होता है, इसको स्टेम बोलते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन जिसमें पूछा गया होता है, जब तक आपको ये समझ नहीं आता, इसको नहीं समझ लेते, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर लेते। अच्छा, ये इतना इजी सी बात है, ये मैंने क्यों लिखी, क्योंकि इस स्टेम को समझने के लिए, ये जो डिस्ट्रक्टर है इनको समझने के लिए कुछ एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज हैं। उसमें सबसे पहले स्ट्रेटजी है क्या है कि इस स्टेम को या ऑप्शन को अच्छी तरह से समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रेटजी नंबर वन, हाईलाइट, अंडरलाइन एंड सर्कल द कीवर्ड। जब भी आप ऐसे रीड करते हो, आपके पास ये ऑनलाइन पेपर तो है नहीं, है ऑफलाइन है, तो आपके पास पेन है, तो आप जिस भी वर्ड को जब आप रीड करते हैं तो आप उसको अंडरलाइन कीजिए मेन फ्रेज को। फॉर एग्जांपल, इसको मैंने यहां पर हेल्पफुल किया, ज्यादा करने के लिए मैं इसको सर्कल भी कर सकता हूं। ऐसे ही अगर ऑप्शन को आपने समझना है तो जब आप पेन से अंडरलाइन करते हैं तो वो हेल्प मिलती है, ब्रेन को हेल्प मिलती है, कंक्रीट रूप में उसको समझने में हेल्प। अच्छा, ये जब क्वेश्चन डिफिकल्ट या वेरी डिफिकल्ट है तो ये स्ट्रेटजी ज्यादा यूजफुल है। पर्टिकुलरली जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं, आप मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेटजीज कंटिन्यू यूज करनी चाहिए। इवन आपको हर क्वेश्चन के लिए ये स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए। नेक्स्ट, ये भी है, नहीं है कि आप सारे सेंटेंस को अंडरलाइन करना है, आपने मेन फ्रेज को अंडरलाइन करना है, आप फिंगर का प्रयोग भी कर सकते, और साथ साथ में आपने मार्क कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन आपने पेंडिंग छोड़ा है, डी मार्क, जो पिछली वीडियो में आपको बताया गया। नेक्स्ट स्ट्रेटजी, जब आपको किसी फ्रेज या वर्ड का मीनिंग नहीं पता चलता तो आप जो आपकी लैंग्वेज नहीं है, फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश लैंग्वेज के हो, तो आप दूसरी लैंग्वेज जो दी गई है उससे कंपेयर कर सकते हैं। पर ये याद रखना है कि क्योंकि क्वेश्चन पहले इंग्लिश में बनता है, पेपर सेटर इंग्लिश में पेपर सेट करता है, ट्रांसलेशन दूसरी लैंग्वेज में होती है, तो प्रोबेबिलिटी है कि दूसरी लैंग्वेज में गलती हो। लेकिन कई बार दूसरी लैंग्वेज में क्लियर हिंट होता है राइट आंसर का, दैट इज व्हाई आपको दूसरी लैंग्वेज तब पढ़ लेनी चाहिए जब आपको क्लैरिटी पहली लैंग्वेज में नहीं हो।
नेक्स्ट स्ट्रेटजी है पामिंग, हेड रबिंग, नेक प्रेसिंग, हग, डीप ब्रीदिंग। अच्छा, कई बार आप लगातार अटेंशन दे रहे हो तो फटीग फैक्टर ब्रेन में बढ़ जाता है, जैसे वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में कहते हैं केमिकल लोचा हो जाता है, तो जिससे क्या है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो है गड़बड़ होने लगती है। लास्ट आप एक घंटे के बाद लगभग थक जाते हो, इंडिविजुअल डिफरेंस है, कोई डेढ़ घंटे के बाद भी थक सकता है, किसी की हालत नहीं ठीक। तो ऐसे आप को एक घंटे दो घंटे में जब भी आप थक रहे हो, आप किसी क्वेश्चन के बारे में सोचना है तो सोचते सोचते आप दोनों हाथों की हथेलियों को हाथों पर रख के ऐसे दबा लीजिए 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए। तो साइकोलॉजिकल रूल है, इससे ब्रेन को बहुत ज्यादा रेस्ट मिलती है। अगर आप 20 सेकंड 10 सेकंड करते हो 15 मिनट के लिए अगले के लिए, फिर वो फ्रेश हो जाता है। तो आप 15-15 मिनट बाद ये पामिंग कर सकते हो। इसके अलावा अगर थोड़ी डीप ब्रीद कर सकते हो, जिससे क्या है डीप ब्रीदिंग से ब्रेन को ऑक्सीजन मिल रही है, और ऑक्सीजन जब मिलती है तो फंक्शनिंग बेटर हो जाती है। देखने में ये स्ट्रेटजीज आपको लगता है कि बड़ी अजीब सी है, लेकिन ये 100% वैज्ञानिक है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है कि कोई क्वेश्चन स्टेम या डिस्ट्रक्टर वर्ड सेंटेंस आपको समझ नहीं आया तो उसको रीरीड करना है। रीरीड करते हुए फिर पेन का प्रयोग करना है और मेन फ्रेज को अंडरलाइन करने की जरूरत है, आपको करनी ही पड़ेगी। अच्छा, ये रीरीड की डिपेंड करता है कि आप को कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है। वो पहली वाली बात है कि हर हालत में उसको समझना है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी साथ में यही है कि अगर वो दूसरी बार भी रीड करके, अगर आप तीसरी बार चाहते हो तो आपकी मर्जी है, अगर टाइम ज्यादा हो रहा है, स्टेम समझ में नहीं आ रही, तो उसको छोड़ देना है, उसी वक्त छोड़ देना। कि आपने क्वेश्चन जब है उसकी स्टेम है, क्वेश्चन जिसमें होता है, तो उसमें नॉट या एक्सेप्ट वाला जो वर्ड है वो देखना है रीड करते हुए। अगर नॉट, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल, तो नॉट को आपने सर्कल करना है या अंडरलाइन करना है, और ध्यान में रहे कि आपने नॉट वाला आंसर फाइंड आउट करना है, ना कि करेक्ट वाला, राइट वाला। ऐसे ही नेगेटिव वर्ड एक्सेप्ट भी हो सकता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉलोइंग आर फीचर ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक्सेप्ट, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप एक्सेप्ट को अंडरलाइन करोगे, ये देखोगे कि कौन सा उसका फीचर नहीं है। नेगेटिव वहां पर आप नेगेटिविटी ढूंढोगे, नेगेटिव वाला वो जो है आंसर नहीं होगा। एक और रूल है कि जब आप स्टेम को पढ़ लेते हो, स्टेम में बता दूं, जैसे आप इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ लेते हो, ऑल राउंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इंप्लाइज, 1-2 सेकंड के लिए आपको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद राइट आंसर का सोचना होता है। एक्चुअल में राइट स्ट्रेटजी ये है, मतलब के ऑप्शन पढ़ने से पहले और ये स्टेम को पढ़ने के बाद 1-2 सेकंड के लिए आपको एकदम इंफॉर्मेशन रिकॉल करनी होती है कि क्या क्या राइट आंसर है, उसके बाद आपको ये ऑप्शन पढ़नी चाहिए। अगर आपको लगता है इससे टाइम मेरा बच नहीं रहा तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसमें पॉज चाहिए कि ये जो स्टेटमेंट है मैंने पढ़ी है, अंडरलाइन भी करी है, और यहां पर पॉज चाहिए आपको थिंक करने के लिए कि ये क्या पूछ रहा है और मेरे पास इसकी राइट नॉलेज। रूल नंबर 5, कई बार आपको लगता है बड़ा इजी क्वेश्चन है पर आपने 4 की 4 ऑप्शन रीड करनी है, कई बार वो क्वेश्चन इजी नहीं, वो डिफिकल्ट होता है, जहां उसकी राइट इंफॉर्मेशन आप नहीं ले सके, आपने जल्दी से टिक कर दिया लेकिन राइट आंसर बाद में पड़ा था। दैट इज वाई आपको 4 की 4 ऑप्शन है उनको रीड करना ही करना है, कितना भी इजी आंसर क्यों नहीं। अच्छा, ये ऐसे क्यों करना है, सभी क्वेश्चन को ऑप्शन को आपने रीड क्यों करना है, कई बार वो बेस्ट आंसर क्वेश्चन होता है। बेस्ट आंसर क्वेश्चन उसे बोलते हैं कि 4 की 4 ऑप्शन ठीक है, जब 3 ऑप्शन ठीक है, जब 2 ऑप्शन ठीक है। अब ऐसी संभावना में कि करेक्ट आंसर सभी हैं या 3 हैं या 2 हैं, उनमें से सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सा है वो ढूंढना होता है। दैट इज वाई आपको सारे क्वेश्चन जो है ऑप्शन जो है रीड करने। रूल नंबर 6, कॉन्टेंट डिपेंडेंट मेमोरी टू रिकॉल मिसिंग इंफॉर्मेशन। कई बार आप जैसे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है, कोई इंफॉर्मेशन आपने रीड की थी
मान लीजिए रीड की थी आपने कई बार, तो मोस्टली जो एंट्रेंस टेस्ट में जो तैयारी नहीं करते तो आपको वो इन्फॉर्मेशन रिकॉल नहीं हो रही, तो आपने ये देखना है कि क्या मैंने ये इस रूम में पढ़ा था, प्लेस कहाँ था, अच्छा मैं कब मैंने पढ़ी थी, तो ऐसी इंफॉर्मेशन प्लेस से साथ या किसी और ऑब्जेक्ट के साथ, ये मैंने कॉपी में लिखा था, ये मैंने यूट्यूब पर से सुना था, स्टडी किया था है ना, नेट से स्टडी किया था, तो ऐसे जब एसोसिएशन जहां पर उस कॉन्टेक्स्ट में संदर्भ में सिचुएशन में आपने लर्न की थी उसमें जाते हो तो इंफॉर्मेशन वापस ओके सबकॉन्शियस माइंड फोर्स को यूज करना चाहिए। इसमें क्या है कि जब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पर आपने जोर लगा दिया है उसको समझने में, फिर समझने में, तो उसको छोड़ देना चाहिए। छोड़ देने से आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आपका कॉन्शियस माइंड जो है स्टडी करने, ये देखिए मान लीजिए ये आपका कॉन्शियस माइंड है, ये सबकॉन्शियस माइंड है ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पढ़ रहा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा है, उस पर काम कर रहा है। जब आपने किसी क्वेश्चन पर जोर लगाया हुआ होता है तो प्रीवियस क्वेश्चन पर सबकॉन्शियस माइंड वर्क कर रहा है, इट मींस एक ही वक्त पर आपके दो माइंड काम कर रहे हैं अगर आपने एक क्वेश्चन पर जोर लगा के उसको छोड़ दिया है। हो सकता है 5-10-15 मिनट बाद उसका आंसर या इंफॉर्मेशन आपको याद आ जाए, दैट इज वाई सबकॉन्शियस माइंड की फोर्स को यूज कर। नेक्स्ट रूल है कि आपको एग्जाम्पल याद रखनी चाहिए, अगर ज्यादा रूल याद नहीं रहते, इंफॉर्मेशन याद नहीं रहती, जैसे ग्रामर वगैरह है इसको सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन, तो आपको एग्जाम्पल याद रखनी चाहिए, जो एग्जाम्पल आपके पास है वो क्वेश्चन में जो पूछा गया है उससे रिलेट करके आप ओके। जब किसी क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव दिया गया है और आपको एक करेक्ट आंसर बीच में मिल गया है, पक्का मिल गया है ठीक, तो दूसरे की संभावना भी दिखाई दे रही है, तो एकदम आप ऑल ऑफ द अबव को क्लिक कर दीजिए, राइट आंसर वही। नेक्स्ट रूल है कि आपने ओएमआर शीट को साथ साथ में फिल करना है, क्वेश्चन का आंसर मिल गया है साथ में ही फिल करते जाइए। आपने गैस वर्क कितना लगाना है ये आप 100% सोचिए, क्योंकि जितने क्वेश्चन आपको आते हैं नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं है, बाकी जितने बचते हैं उसके लिए गैस वर्क लगाइए। गैस वर्क लगाने के लिए अगला वीडियो आप देख सकते हो। 10-15-20 मिनट बाद के इंटरवल के बाद आपने टाइम देखना ही देखना है कि क्या जो आपने गोल सेट किया था कि पहले राउंड में मैंने इतनी क्वेश्चन को देख लेना है, इजी क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आपने सोचा है कि 90 मिनट में 1.5 घंटे में कर लेने हैं, तो क्या 1.5 घंटे की रफ्तार से आप एक राउंड पूरा कर लोगे, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हैं उनको एक बार रीड करके सॉल्व करके वो मैं शीट पर लगा लेते हो, सेकंड राउंड पर पहुंचते हो, कहीं ये तो नहीं है कि 10 मिनट रह गए आपका पहला राउंड समाप्त ही नहीं हुआ, दैट इज वाई आपको बार बार घड़ी को देखते रहे ओके। कोई भी स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं या कहीं और से आपने सीखी है वो सिर्फ अगर आपके लिए सूटेबल है तभी आप अप्लाई कीजिए, बिना आपकी सूटेबिलिटी के लिए बिना ये स्ट्रेटेजी जो आप अप्लाई करना चाहते हैं या तो एक बार उसकी प्रैक्टिस जरूर करके देख लिए या फिर विजुअलाइज करके देख लिए, अगर ऐसा होगा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा मैं अंडरलाइन करूंगा है ना, तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी मैं इंफॉर्मेशन ऐसे रिकॉल कर लूंगा, मैंने डीप ब्रीदिंग भी करनी है, मैंने पामिंग भी करनी है, मैंने वॉच का ध्यान रखना है, विजुलाइज एक बार आंखें बंद करके उस सिचुएशन में जाओगे तो माइंड जब रियल में उस सिचुएशन में जाएगा तो आपको वही वैसे ही करवाएगा। अच्छा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 100% आपने एक जितने भी क्वेश्चन 150 क्वेश्चन है आपने सारे के सारे लगा के आने हैं, मार्क करके आने हैं, बेशक गैस वर्क ही क्यों ना लगाना। तो ये थी साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज, नॉर्मली आपने डिफिकल्ट या किसी भी क्वेश्चन वेरी डिफिकल्ट को समझने के लिए और पूरे एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी अगर स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हो, श्योरली आपके ब्रेन को रिलैक्सेशन मिलेगी, इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी और राइट आंसर के लिए आप परफॉर्मेंस दे सकोगे। डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज।